असल यूट्यूब फैमिली अपना घर डॉट पी के साथ असद अली इज़ बैक सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल शेयर सम बैकग्राउंड फॉर दिस और फ्रॉम द पास्ट थ्री टू फोर मंथ्स वी हैड मैनी रिक्वेस्ट कि असद भाई कोई ऐसा घर लेके कर आए जिसमें हम डाउन पेमेंट तो कर दें उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है हम एरियज में पे करते रहें क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सनस आर सैलरीड पर्सन ठीक है बल्क में इतनी बड़ी अमाउंट लोग नहीं पे कर सकते तो इस टाइम फ्रेम में हमारे पास भी काफ़ी ऑप्शंस आए कुछ में ऐसा था कि प्राइस ज़्यादा थी कुछ में लोकेशन अच्छी नहीं थी या कुछ में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज़ नॉट अप टू द मार्क तो हम ऐसे ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवॉइड करते रहे बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज है जिसमें डाउन पेमेंट भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी है डिजाइन भी अच्छा है लोकेशन भी अच्छी है सो so, हमेशा की तरह हम इस घर को रिव्यू भी करेंगे और एक फेयर एंड इम्पार्शल ओपिनियन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वेदर यू हैव टू बाय दिस वन और नॉट सो अब हम बात करते हैं इसकी डाउन पेमेंट की जो कि थर्टी लैक्स आपको पे करनी है एंड रिमेनिंग अमाउंट आप क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं और उसका प्लान जो है वीडियो में आगे फर्दर भी मैं आपको बताऊंगा और कॉन्टैक्ट नंबर ऑनर का वो भी मैं लीव कर दूँ तब तो वैसे मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि मैंने वीडियोस में लाइक और सब्सक्राइब का कहना तो छोड़ ही दिए लेकिन उसकी रीज़न ये है कि आप लोग यार कर देते होते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं हाउस की इट्सेल्फ जो कि काफ़ी कैप्टिवेटिंग है दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है दिखने में डिज़ाइन इसका कन्वेंशनल हाउसेस से डिफरेंट है और फ्रंट भी आप देख लें कि इसकी ग्रिल है और टाइल्स इस्तेमाल हुई हुई हैं और मॉडर्न डिज़ाइन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में और सो uh, so अब आप स्ट्रीट व्यू देख लें और आप देख सकते हैं कि 50 फीट वाइड डबल बुलेवार्ड अवेलेबल है यहाँ पे और सो uh, so अब हम बात करते हैं लोकेशन की वी आर इन मल्टी गार्डन्स बी सेवनटीन विच इज अ सी डी अप्रूव सेक्टर और यहाँ के हम एफ ब्लॉक में इस वक्त खड़े हैं अभी हम लाए हैं आप लोगों के लिए मैप और जिससे आप लोगों को लोकेशन की एक्सेस इजी हो जाए और यही वाली लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है ताकि आप आसानी से इस घर तक पहुंच सकें और यहाँ पे आप देख लें सारी कारपेटेड रोड्स हैं इन्वायरमेंट और एटमोसफियर की बात करें तो यहाँ पे जितने लोग रहते हैं एक अच्छी पढ़ी लिखी कम्यूनिटी यहाँ पे आबाद है इसके अलावा पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें हैं मार्केट्स जगह जगह पे हर ब्लॉक की अलग हैं सो so, ओवरऑल एक एक्सीलेंट कम्युनिटी है तो अब हम फर्दर तो लाइक ऑलवेज हम आप लोगों के लिए शॉर्ट एनालिसिस लेके आए हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ों को आइडिया जाता है इफ़ यू टॉक अबाउट द डिज़ाइन तो नाइन मार्क्स मिले हैं इस घर को डिज़ाइन के हवाले से और लोकेशन और इन्वायरमेंट के हवाले से एट एंड फैसिलिटीज़ के हवाले से इसे मिले हैं नाइन मार्क्स और आती है बात वैल्यू फॉर द मनी तो यहाँ पे इस घर को मिले हैं एट पॉइंट फाइव एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से इट गॉट एट मार्क्स कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे कारपोच जिसका साइज़ अच्छा है एक गाड़ी आपकी इजीली आ जाती है फर्श आप देख रहे होंगे थोड़े से गंदे हैं क्योंकि ये मॉडल हाउस है और आपको इसी तर्ज का घर बना के दिया जाएगा इसी ब्लॉक के अंदर जो कि फ़्रेश होगा ठीक है ये तो मॉडल हाउस यहाँ पर लोग आते हैं विज़िट करते हैं इसलिए इसकी कुछ सफ़ाई नहीं हुई हुई तो ये आप देख लें कुछ गमले वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और टाइल्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है तो सबसे पहले जब हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो राइट साइड पे आप देखते हैं सीढ़ियों के नीचे और स्टेयर्स के नीचे एक वॉशरूम एंड जो कि छोटा सा है काफ़ी और अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ और फ्लोरिंग जो है आपकी टाइल फ्लोरिंग हुई हुई है विच इज़ अ गुड न्यूज़ और सीलिंग वर्क काफ़ी सिंपल है और मुझे पर्सनली अगर कहा जाए तो इसी तरह का ही पसंद है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड होती हैं और देखें कि वेंटिलेशन का कितना अच्छा निज़ाम है विंडोज़ एल्यूमिनियम विंडोज़ यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं एंड साइड पर आप देखें एक्स्ट्रा लैंड भी है जिस पर आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं तो अभी हम चलते हैं आगे और इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे और सबसे पहले यहाँ से हम जाते हैं किचन के अंदर और देख लेते हैं किचन में क्या क्या चीज़ें हैं और किचन का साइज़ नॉर्मल uh, है इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा किचन है जो आपके विंडोज़ हैं वो ये हैं और शेल्व वग़ैरह और कैबिनेट्स हम देख लेते हैं कैबिनेट्स जो है वुडन कलर uh, इस पर किया गया है और वुड ही इसके अंदर इस्तेमाल हुई है लेकिन ऊपर वार्निश की गई है पॉलिश पॉलिशे की गई है और बीच में शीशा लगाया गया है और साथ यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड स्टोव भी मिल जाता है और आपकी शेल्वस जो हैं वो मार्बल की बनी हुई हैं किचन की टाइल्स मुझे तो कोई इतनी ख़ास नहीं लग रही शेल्फ भी बस ठीक हैं और ड्रॉर्स आप देख लें तो हैंडल्स वगैरह भी स्ट्रॉग हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूट डिटेल्स देखनी होती हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि वट वॉज द मैटर कि जब बनाना था इन्होंने ये घर तो उनका माइंड क्या था तो साथ अभी हम चलते हैं बेडरूम नंबर वन में ग्राउंड पोर्शन के और जो कि आप देख रहे हैं तो ओवरऑल uh, काम तो अच्छा हुआ हुआ है मुझे कुछ जगहों पे वीडियो बनाने से पहले सेम देखने को मिली वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये आप देखें कि uh, आपकी आ जाती हैं यहाँ पे कबर्ड्स ठीक है और ठीक है वुडन मटेरियल इट्स नॉर्मल लाइक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है बस ठीक है और यहाँ पे अगर कब्ड मेरे ख्याल से इधर शिफ्ट कर देते तो ज़्यादा बेहतर था अभी हम जाते हैं वॉशरूम में और वॉशरूम की एक्सेसरीज आप देख लें टाइल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं इट्स नथिंग सब्सटेंशली यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है फिर इसके बाद आप सिंक वगैरह भी नॉर्मल क्वालिटी के हैं आ, और आप देख रहे हैं कि टाइल्स भी बिल्कुल मुझे डार्क कलर की टाइल्स पसंद हैं लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन के आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है अभी हम आ चुके हैं सेकेंड रूम के अंदर और आप देख लें सिंपल सा आपको सीलिंग वर्क मिलता है और जिसमें एल लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं कबर्ड्स यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं तो uh, कबर्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है एंड uh, ऐसा नहीं है कि छोटी साइज़ की कबर्स हैं इसमें चार जो हैं वो इनके डोर्स हैं और इजीली आपका सारा सामान यहाँ पे आ सकता है तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि इन्होंने जो कंट्रास्ट रखा है बिल्कुल वाइट का रखा है और काफ़ी कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की तो ये हम आ जाते हैं वॉशरूम और यहाँ पे भी सेम स्नैरी है ईच एंड एवरी इज़ सिमिलर आप दरवाज़ा देख लेते हैं और इसके हैंडल्स वगैरह देख लेते हैं तो डोर की क्वालिटी नॉर्मल है नॉट एनी थिंग और नॉट एनी वेरी बैड और अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर और पीछे आपका थोड़ा सा गैलरी गिवन है जो आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं एज अ लॉन्ड्री उसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो अभी यहाँ से हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ और सामने आप व्यू देख रहे हैं रोड्स काफ़ी वाइड हैं तो जो आपका ये तो मॉडल हाउस है ना जो रियल uh, हाउस आपको अलाट होगा उसमें आप अपने हिसाब से जिस तरह टाइल्स वगैरह हैं वो आप ऑनर को कह के चेंज करवा सकते हैं और उसमें uh, काफ़ी आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अपने हिसाब से आप चीज़ें लगवा सकें और अभी हम आ चुके हैं सेकंड पोर्शन में और सारी चीज़ें मुझे सिमिलर लग रही हैं आइडेंटिकल लग रही हैं नीचे से लेकिन मे बी देर वुड बी सम ऑल्ट्रेशन ऊपर वाले पोर्शन में और विंडोज़ आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम की विंडोज़ यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं तो बिल्कुल स्लीक सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन किया गया है ये घर और अभी यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ और इसमें आप सेपरेशन भी कर सकते हैं दरमियान में अपने हिसाब से कुछ फैमिलीज़ होती हैं उन्हें टी वी लाउंज और ड्राइंग रूम पसंद नहीं होता ओपन तो ये आपका यहाँ से बाहर का व्यू है घर आगे पीछे काफ़ी बने हुए हैं तो एक चीज़ मुझे बॉलर कर रही है कि यहाँ पे एक टीवी लाउंज में अलमारी होनी चाहिए थी लेकिन वो अच्छा ये देखें आप थोड़ी सी सेम मुझे नज़र आ गई है और आ, क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में आ, हमेशा हर घर में ही तकरीबन मुझे सेम कहीं ना कहीं देखने को मिलती आई डोंट नो क्या रीज़न है कुछ जगहों पे तो मटेरियल में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होता लोगों ने लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि साथ वाले घरों से भी आ रही होती है लेकिन एक बात मैंने कॉमन देखी है कि जब भी अगर आप ऑनर से पूछेंगे ना वो वो हमेशा उसका जवाब यही होगा कि वो तो साथ घर बन रहा था फ्रेश कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस वजह से आ चुकी होती है सेम लेकिन ऑब्वियसली मुझे तो पता चल जाता है कि क्या उसकी रीज़न है तो अभी हम किचन आप लोगों को दिखाया और यहाँ से हम चलते हैं बेडरूम नंबर वन में सेकेंड पोर्शन के जो कि बिल्कुल सिमिलर है नीचे से तो अभी हम साथ साथ अगेन बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की तो आ, मैंने आपको बताया था कि इसकी थर्टी लैक्स इसकी डाउन पेमेंट है और रिमेनिंग अमाउंट आप क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं ठीक है और आगे मैं आपको ऑनर का नंबर इस वीडियो में दे दूंगा आप उनसे ख़ुद कांटेक्ट करके ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स पूछ लें अगर उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी तो अभी हम देख रहे हैं ये इसका वॉशरूम तो बिल्कुल बिल्कुल सेम डिटो कॉपी है नीचे वाले पोर्शन से देर इज नथिंग सब्सटेंशियली न्यू और यहाँ से आपका आ जाता है अगेन सेकेंड बेडरूम तो आई uh, होप कि आपको ये अभी तक घर पसंद आ रहा हो सो so, uh, ये अगेन आपकी uh, कबर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं विद दैट सेम सीलिंग डिजाइन और ये वॉशरूम जिसमें वही टाइल्स इस्तेमाल हुई हुई हैं जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद आ रही जे मैं बात नीचे भी कह चुका हूँ और सिंक भी कुछ बेहतर क्वालिटी का लगा होता और ये आपके जो टैब्स हैं वो भी कुछ बेहतर होते तो मज़ा आता <coughs> तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स दूँ इस घर को तो आई डोंट थिंक ये कोई डिस करेगा तो ये एक आपका छोटा सा स्टोर रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है तो जिसकी हमारे पास कीज नहीं तो अभी हम चलते हैं ऊपर और चेक करते हैं कि यहाँ पे आ, स, आ, रूफ टॉप पे क्या है और ये एक छोटा सा इन्होंने स्टोर रूम दिया है जिसमें आप चीज़ें अपनी रख सकते हैं तो अल्लाह करे ऊपर खुला हुआ हो और ये देखें जी ये क्या है और ये है जी देसी जुगाड़ जहाँ पे आपके पास लॉक नहीं है आप उन्होंने जो है वो वायरस से उसको लॉक कर दिया तो अमेजिंग पाकिस्तानी जो है ना हर जगह पे जुगाड़ लगा लेते हैं तो अभी हम छत पे आ चुके हैं और डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए कि यहाँ पे छत पे कोई एज सच चिप्स नहीं दी गई है मार्बल नहीं दी गई अमेजिंग uh, और बाकी ये सामने व्यू आप देख लें रोड्स uh, कितनी क्लियर और साफ़ हैं सामने इतनी आबादी नहीं है कि लेकिन आपके राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा घर आबाद हैं सो so, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की एंड हिट द लाइक बटन और यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो so, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज